नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं हॉनर मोबाइल के बारे में। हॉनर के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि नया जो प्रोडक्ट आया है इनका, हॉनर हॉली 3, आपको पता ही होगा हुआवे द्वारा लॉन्च हुआ यह नया प्रोडक्ट है जो कि 30 तारीख को भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो चुका है। और इसमें बता दें, फ़ोन काफ़ी एकदम बढ़िया सा फ़ोन होता है हॉनर के। इसके बहुत सारे वेरियंट्स अभी चल रहे हैं, हॉनर 6X वगैरह पे। इसके पहले भी इन्होंने हॉनर 3 निकाला था, लेकिन यह हॉनर हॉली 3+ है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस मिलेगा आपको मेमोरी के बारे में। तो बता दूँ, जो नया वेरिएंट आया है ये आपको 3 GB 32 GB के रूप में आएगा, और इसका जो पुराना जो वेरिएंट था वो 2 GB 16 GB का वेरिएंट था। तो इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है कायरन 620 का ऑक्टा कोर का 64 बिट का CPU है। और ये फ़ोन जो है, कहते हैं कायरन का 620 जो है इन हाउस, यानी कि हुआवे द्वारा ही बनाया गया फ़ोन है, प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आपको हीटिंग के इशू नहीं मिलेगी और बैटरी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसमें 2 SIM लगा सकते हैं और एक SD कार्ड लगा देंगे 128 GB तक अलग से लगाएंगे, यानी कि 3 स्लॉट दिए गए हैं इसके अंदर, एक लेफ्ट से एक राइट पे, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है ये। तो इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं 128 GB तक का कार्ड। और फ़ोन जो है 5.5 इंच की अच्छी सी 720 की स्क्रीन के साथ में आता है। हालांकि फुल HD देनी चाहिए थी इस कीमत पे, जो कि 12,999 है, लेकिन उन्होंने नहीं दी है। मैं आपको इस फ़ोन का एक ऑप्शन बताऊंगा, पहले इस फ़ोन के बारे में बता दूं तो ध्यान से सुनिए। इसी प्राइस रेंज में आपको मिलेगा फ़ोन, बढ़िया सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। 178 डिग्री तक की वीविंग एंगल्स है, 10 पॉइंट टच फिंगर्स है इसके ऊपर, बढ़िया से कोटिंग दी गई है, टफ ग्लास है इसके ऊपर जो कि 16 लाइम का प्रोटेक्शन के साथ में आता है। 8 MP का फ्रंट कैमरा है इसके ऊपर, और रियर का जो कैमरा है आपको 13 MP का मिलेगा। दोनों ही 2.0 के अपर्चर के साथ में आते हैं, तो एक अच्छी सी फ़ोटो मिलने वाली है क्योंकि हुआवे के फ़ोन जो होते हैं फ़ोटोज़ वगैरह में काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी काफ़ी विविड है इसका, बढ़िया सी फोटोग्राफी करते हैं। और 13 MP का जो कैमरा है ये ऑटो फोकस वगैरह के साथ में आता है, एंटी रिफ्लेक्शन, एंटी वेयर वगैरह। जो सब ग्लासेस है इसके ऊपर पीछे जो है सफ़ायर ग्लासेस है, जिसकी वजह से लेंस घिसेंगे नहीं पिक्चर के आपके, यानी कि हमेशा आपको अच्छी फोटोज़ मिलती रहेगी। इसमें बहुत सारे लाइटिंग्स, लाइट पेंटिंग वगैरह, स्टार ट्रैक, ऐसे इस तरह से अलग अलग आप इसमें फूड मोड वगैरह के साथ में भी है। बहुत सारे कैमरा के फीचर्स दिए गए हैं जैसे हॉनर 6X में दिए गए थे, उसी तरह से। बैटरी इसकी पुरानी 3100 mAh की थी, वैसे ही रखी गई है, कोई इसमें एक्सटेंड नहीं किया गया है। पुराना हालांकि 2 GB रैम और 16 GB के वर्जन में मिलता था, लेकिन ये वाला जो है 3 GB रैम कर दिया गया 32 GB के वर्जन में, जिसमें आप एक एक्सपांडेबल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक का। 7 दिन की बैटरी मिलेगी क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी हल्का है, काफ़ी हल्का पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बैटरी मिलती है। और पीछे का जो प्लास्टिक कवर दिया गया है, ये फुल्ली मेटल बॉडी नहीं है इसकी बैटरी, लेकिन निकलती नहीं है, लेकिन फुल्ली मेटल बॉडी भी नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक सा टेक्सचर है। और ये आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। बॉक्स स्पीकर वगैरह है आपको इसके अंदर, बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं है। और स्पीड वगैरह भी है, 4G वोल्ट है, जियो का सिम लगाएंगे, दूसरा सिम भी लगा सकते हैं, इस तरह से है। और बहुत सारे इसके अलग अलग फीचर्स है, आपको बता दो कि ये 168 ग्राम का वजन के साथ में आता है। और एंड्रॉयड का जो है इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते थे नॉगट, लेकिन नहीं, मार्शमेलो ही मिलेगा 6.0, जो कि EMI 4.1 पे चलता है। और ये सारी फ़ोन जो है सेंसर्स जो है इसके अंदर आपको जी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, ये सारे सेंसर्स के साथ में आता है, तो बहुत ही बढ़िया है। और 15 महीने की जो है सर्विस वारंटी मिलने वाली है आपको इसके ऊपर। तो इस तरह से फ़ोन आता है। आपको एक ऑप्शन में फ़ोन का बता दूँ, अगर आपको ये फ़ोन पसंद ना आया हो तो आपको एक मैं फ़ोन बताना चाहूँगा, हॉनर 6X, जो कि आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, जो कि उसी कीमत पे आप देख सकते हैं। वो मैंने आपको 12,000 बताया था, और ये 12,000 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। 6 4 GB रैम वाला भी है इसके अंदर, लेकिन ये जो बता रहा हूँ मैं आपको 12,000 रुपये में, 3 GB रैम 32 GB के साथ में, लेकिन इसमें एडिशनल SD कार्ड नहीं लगा सकते, फुल HD की स्क्रीन, और ये काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर के साथ में आता है। तो अगर आप वो ना लेना चाहें, और कैमरा इसमें ड्यूअल है, तो अगर कैमरा वगैरह में जाना चाहे और अच्छा, तो आप इसमें हॉनर 6X में जा सकते हैं, लेकिन ये आपको ऑनलाइन नहीं लेना पड़ेगा। वेरस आपको जो दूसरा मैं बता रहा था वो है, वो आपको लोकल स्टोर पे ही आपके नज़दीकी मिल जाएगा। तो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, मेरी तरफ से रिकमेंड रहेगा, आप दोनों ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं हॉनर के इसको, अदरवाइज जो है हॉनर 6X को आप ऑनलाइन मार्केट से ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, भेजी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।